क्या होती है एसपीजी सुरक्षा जिसके हटने के बाद हो गई थी राजीव गांधी की हत्या। राजीव गांधी की हत्या लिट्ठे के आतंकियों ने तब की थी जबकि उनकी एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई थी। एनडीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली, इसके बदले उन्हें हल्की जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि सरकार के इस कदम पर विवाद बिछड़ गया, यह मुद्दा फिर गर्म हो गया है और क्या है पूर्व प्रधानमंत्रियों की एसपीजी सुरक्षा हटाई जानी चाहिए। दरअसल 1989 में बीपी सिंह की सरकार ने राजीव गांधी से एसपीजी की सुरक्षा ले ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि लिट्टे से जुड़े आतंकियों ने आसानी से श्री पेरवदूर में अपना शिकार बना सके। फिलहाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एसपीजी सिक्योरिटी मिली हुई है। सुरक्षा प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिजनों, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को मिलती है। एसपीजी का ढांचा पहले बहुत सीमित था लेकिन अब यह काफी बड़ा हो चुका है। कभी 809 की स्वीकृति संख्या से शुरू हुआ एसपीजी करीब 10,000 अधिकारियों और जवानों का दल है जिन्हें लंबी चौड़ी ट्रेनिंग और खास किस्म की चयन प्रक्रिया के बाद केंद्रीय और राज्य पुलिस इकाइयों के 6 साल के लिए डेपुटेशन पर लिया जाता है। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर भी विवाद की स्थिति है। जिस वक्त राजीव गांधी की हत्या, उस वक्त उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या थी? 1989 में जो चुनाव हारे उसमें कांग्रेस की करारी हार हुई, राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 2 दिसंबर 1989 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा। बीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने। बीपी सिंह ने 3 महीने बाद हटा दी थी सुरक्षा। बीपी सिंह की सरकार ने अगले 3 महीने तक राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा बहाल रखी। वैसे कहा जाता है कि उस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की कानून इसके खिलाफ था। इसके बाद ही सुरक्षा उनके पास से हटा ली गई जिसके चलते उनकी सुरक्षा की परतें कमजोर पड़ गई। हालांकि बाद में कई उदाहरणों के साथ यह भी कहा गया कि जिस समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एसपीजी सुरक्षा दी गई थी तो वह इसे बार बार सार्वजनिक स्थानों पर तोड़ देते थे। जब बीपी सिंह सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सुरक्षा हटाई तब ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इंदिरा की हत्या के बाद हुआ था गठन एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन। 1985 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया संसद में 1988 में इसे लेकर एसपीजी एक्ट पास किया गया था। उस वक्त की व्यवस्था की गई थी कि सिर्फ प्रधानमंत्री उनके परिवार को ही एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, न किसी और को। उस वक्त भी यह बहस चली थी कि एसपीजी के दायरे में पूर्व प्रधानमंत्री को लाया जाए। कई बार हुआ है एसपीजी एक्ट में संशोधन। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया जिसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों के लिए कम से कम 10 साल एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान लिया गया। एसपीजी का गठन 1985 के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। बाद में इसे लेकर कानून जिस समय समय पर संशोधन भी हुआ है। 1994 में एसपीजी कानून का दूसरा संशोधन किया गया। इसके तहत 5 साल की जगह 10 साल तक एसपीजी कवर पूर्व प्रधानमंत्री उनके परिवार वालों को देने का नियम बनाया गया। ये भी सोनिया गांधी उनके बच्चों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अगर ये संशोधन नहीं किया जाता तो उनकी एसपीजी सुरक्षा छीन जाती। हालांकि बाद में साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किए गए एक संशोधन के तहत ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन की 10 साल की समय सीमा बदल दी गई। नए संशोधन के तहत यह समय सीमा प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के 1 साल तक और खतरे की आशंका होने पर केंद्र सरकार के फैसले पर 1 और साल तक कर दी गई। ये स्थिति अभी भी लागू है। क्या है एसपीजी? विशेष सुरक्षा दल, एक विशेष सुरक्षा बल है। यह भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके परिवार और पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई जाती है। एसपीजी सीधे केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन है। यह आज सूचना ब्यूरो आईबी के अंतर्गत इसके उस विभाग के रूप में कार्य करती है। देश के सबसे पेशेवर और आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। एसपीजी कमांडो कई हथियारों करों से लेस रहते हैं। एसपीजी के सिलेक्शन कैसे होता है? एसपीजी का मुकाबला अमेरिकन राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली यूएस सिक्योरिटी सर्विस से होता है। इन जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ से किया जाता है। यह बल गृह मंत्रालय के अधीन है लेकिन हथियारों करों से लेस होता है। ये फुली ऑटोमेटिक गन FNF 2000 अल्ट्रास राइफल से लेस होता है। कमांडो के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैक, साथ ही कमांडो से बात करने के लिए कान में लगे एयर प्लग और फिर वाकी टॉकी का सहारा लेते हैं। यहाँ तक इनके जूते भी काफी अलग होते हैं जो कि किसी भी जमीन में फिसलते नहीं। साथ इनके हाथ में खास तरह के दस्ताने होते हैं जो कमांडो को चोट लगने से बचाते हैं। यह कमांडो चश्मा भी पहनते हैं जो उनकी आंखों पर हमले से बचाते हैं और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देते। आपको क्या लगता है, यह फैसला मोदी सरकार ने सही किया कि गलत? अपना कमेंट करके जरूर बताएं।